वडोदरा को यूनेस्को में क्रिएटिव सिटी का दर्जा हासिल करवाने के लिए वडोदरा महानगर पालिका की ओर से आज एक वर्कशॉप का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कई अग्रणियों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। टीम वडोदरा के सूचन से वडोदरा महानगर पालिका की ओर से यूनेस्को में वडोदरा को क्रिएटिव सिटी का दर्जा हासिल करवाने के लिए आज एक वर्कशॉप का आयोजन करवाया गया था। ये हेरिटेज वर्कशॉप वडोदरा महानगर पालिका की ओर से आयोजित करवाई गई थी, जिसमें वडोदरा के कई अग्रणी मौजूद रहे थे और अपनी अपनी ओर से उनकी ओर से कई सूचन दिए गए थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनेद अजीम भट्टू इस दौरान विशेष तौर पर मौजूद रहे थे। तो वहीं गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला, मेयर पिंकीबेन सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री समेत वडोदरा महानगर पालिका के कई पदाधिकारियों और वडोदरा के कई अग्रणियों की मौजूदगी भी इस दौरान दर्ज की गई थी। आज 10 तारीख के सूर्या पैलेस होटल में वडोदरा ने क्रिएटिव सिटी मळे एनी माटे एक सेमिनार थयो छे। आ उपरांत वडोदरा सिटीना जे बीजा प्रश्नों छे एनी पण चर्चा थई छे। आज सेमिनार छे एमां गुजरात सरकारना मुख्य दंडक माननीय बाळूभाई शुक्ला साहेब, अपना मेयर पिंकीबेन, बधा धारासभ्यश्रीओ जेमां मनीषाबेन, केयूरभाई रोकड़िया साहेब, मुख्य जे मीडिया छे अमारुं एना आदरणीय तंत्री साहेबो ए पण उपस्थित रहेला, જે સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ છે જેમાં એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટ, હેરિટેજના અને અન્ય વિષયના એ સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ પણ આજે ઉપસ્થિત રહેલા. આ જે સબ્જેક્ટ છે એના પર બધાએ પોતપોતાના વ્યૂ રજૂ કર્યા છે, બધાએ પોતપોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા છે, પ્રેઝન્ટેશનો રજૂ થયા છે અને એના કારણે થઈ આ બધા પ્રેઝન્ટેશનો, આ બધા વ્યૂઝ, એમના મંતવ્યો, એમના સૂચનો, એ બધું લઈ અને વડોદરામાં શું શું કરવું જોઈએ એની માટેનો એક રોડમેપ તૈયાર થાય, એક બ્લુ પ્રિન્ટ તૈયાર થાય અને સાથોસાથ ક્રિએટિવ સિટીનો દરજ્જો મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ એની પણ એક ચર્ચા આમાં થઈ છે અને જે મુખ્ય સ્થાન આ કોન્ફરન્સનું હતું. સૂચનો મળ્યા છે, અમે આભારી છીએ બધાના સૂચનો માટે. પછી મીડિયાના તંત્રી સાહેબો હોય કે પછી સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ્સ છે, બહારથી જે લોકો આવ્યા છે એ માન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ, માન્ય બધા પદાધિકારી છો, બધાનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને એનાથી ખૂબ જ ચોક્કસ એક ડેવલપમેન્ટની દિશા નિર્ધારિત થશે. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।